अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? मेरा ख्याल है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से यही उम्मीद है सब खैरियत से हों। दो तीन टॉपिक पे बात करनी थी क्योंकि कल फ्राइडे भी है, आपको पता है कि नमाज का टाइम होता है, तो कल वीडियो शायद नहीं बना पाऊँगा अर्ली मॉर्निंग, तो चाह के आपके साथ आज वीडियो बना लूँ। दो तीन टॉपिक हैं, आज अंडर 19 का मैच हो रहा है, ये देखें इस तरह मैं देखता हूँ अपने मोबाइल पर, यह आपको नज़र आ रहा होगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। इंडिया की तरफ से 3 परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हुई, इससे पहले भी एक परफॉर्मेंस अच्छी हुई थी, वो मैं कल पिछली अपने यूट्यूब के प्रोग्राम में बात नहीं कर पाया था, भूल गया था, माफ़ी चाहता हूँ। वीर एक बच्चा है, उसने बड़े अच्छे 70+ रन करे थे, बड़ा जानदार प्लेयर है, आज भी उसने 48 करे, नॉट आउट रहा, बहुत अच्छा खेला और मतलब हिटिंग जोन बहुत अच्छा है उसका। तो ये मैच देख रहा था सुबह से, मैंने कहा चले इस पर भी बात करूँ क्योंकि आपको पता है कि एक हफ्ते बाद वर्ल्ड कप भी शुरू होगा अंडर 19 का, उस पर इंशाल्लाह ज़रूर प्रोग्राम करूँगा। तिलक वर्मा 70 रन करे, हालांकि 3 जल्दी आउट हो गए थे। जो चौथी विकेट की पार्टनरशिप हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी, 100+ की पार्टनरशिप हुई थी, और तिलक की और जुरल जिसने 100 करे 101, उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई। बाद में नीचे आके वीर ने बड़े अच्छे 48 करे और बड़े तेज़ करे, मतलब 2 बड़े लंबे लंबे छक्के भी मारे। मिश्रा तो को देख रहा हूँ, मिश्रा नज़र नहीं आया इस मैच में, फास्ट बॉलर था, पहले एक सीरीज में मैंने उसको देखा था, बड़ा जानदार बॉलर था लेफ्ट आर्म, अब पता नहीं आया वो इस वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। जसवाल को देखा आज 0 पे आउट हो गया, उस पिछले मैच में भी उससे रन नहीं हुए, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल जो कोच है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आज उसको उससे ओपन कराई थी, पिछले मैच में वो नंबर 5 पे खेला था, तो अच्छा साइन है, बिफोर द बड़े इवेंट से पहले होना चाहिए ऐसा, और अच्छी चीज़ है कि 4 नेशन टूर्नामेंट हो रहा है, वो भी उधर हो रहा है जहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है। तो ये तो वो मैच था जिस पर मैंने कहा चलें बात करूँ थोड़ा सा। मुझे इन मैचों में, ये मैचेस जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत क्योंकि मुझे प्लेयर पिक करने में बड़ी खुशी होती है, देखता हूँ तो हर चीज़ देखता हूँ। अभी तो आपसे बात कर रहा हूँ प्रॉपर वे में नहीं देख पा रहा, लेकिन अच्छा साइन है कि अंडर 19 के इस तरह के मैचेस 4 नेशन होने चाहिए। हमारे भी अनफॉर्चुनेटली सीरीज़ नहीं हुई, हम पहले गए थे साउथ अफ्रीका 7-0 से जीते थे, लेकिन सीरीज़ नहीं हुई थी। चलें जी, आ जाता हूँ अपने मेन पॉइंट पे, इंडिया का कल मैच है उस पर पहले बाद में बात करूँगा। एंडरसन अनफिट हो गया, पूरी सीरीज से बाहर हो गया, उसके रिप की प्रॉब्लम हो गई है, और मेरे ख्याल है कि दूसरा टेस्ट में जिस तरह इंग्लैंड जीता है तो याद रखा जाएगा एंडरसन को, हो सकता है कि जब पाकिस्तान वहाँ पे जाए तो शायद उसको आखिरी मैच वहाँ पे दिया जाए, और देना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो हमेशा डेंजरस बॉलर रहा है। प्लस आपके जो सवाल आए व्हाट्सएप पे, अच्छा प्लस उनका थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मुझे वीडियो भेजी विराट की और हरभजन की, क्योंकि मैंने देखा नहीं था, मोबाइल पे इस तरह आता नहीं है, तो वो जो आपने रिक्वेस्ट करी थी वो मैंने अपने फेसबुक पे शो करी है कि वो ओरिजिनली विराट जो है हरभजन का ही नकल उतार रहा था, तो अच्छा अच्छी चीज़ है चले, और हरभजन भी साथ था तो ये इसमें कोई बात नहीं है ऐसी। प्लस आपने सवाल भेजे हारिस रऊफ के बारे में, देखें सच ये है कि हारिस रऊफ को मैंने 1-2 मैचों में देखा अभी बिग बैश में, प्लस जो आज माकवा ने बयान दिया है कि बुमराह से मिलता है बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा, हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी किसी ना किसी को किसी से मिला देते हैं। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ कि मुझे ग्रेट जावेद भाई से मिला दिया था, गलत था, जावेद भाई बहुत 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 बढ़िया बैट्समैन थे, लेजेंड, लिविंग लेजेंड जिन्हें मैं बोलूँगा। इसी तरह बहुत सारे प्लेयर आए, नवेद अंजुम आया, हाफिज शाहिद आया, किसी को मेलकम मार्शल से मिला दिया गया, किसी को इयान बोथम से मिलाया गया, तो मेरा ख्याल है आप देख लेंगे उनका फ्यूचर मेरी तरह बिल्कुल ही साइड में होगा जिस तरह। तो ये वो बातें थी जो जहन में था। प्लस हारिस रऊफ के बारे में बात करने से पहले सिर्फ एक चीज़ करता चलूँ, हम अभी वकार का भी ट्वीट आया कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, आया उसके पीछे था कौन, उसके पीछे मैं आपको आज बता देता हूँ,
उसको लाने में अल्लाह ताला के बाद जिसका हाथ था उसका नाम था आकिब जावेद। ये आकिब जावेद वही है जिसने 92 के वर्ल्ड कप में जीतने में पाकिस्तान की बड़ी मदद करी थी नए बॉल के साथ, प्लस 2009 में जो पाकिस्तान वर्ल्ड T20 जीता था जिसमें यूनुस कप्तान था तो हेड कोच आकिब जावेद था। लोग आकिब जावेद का नाम लेते हुए डरते, गलत है, उसने इस मुल्क को सर्व करा है और ये उसकी प्रोडक्ट है, हारिस सुहेल जो है उसकी प्रोडक्ट है, लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है। इसमें अभी तक PCB का कोई अमल दखल नहीं है, ना वो कोई जूनियर लेवल पे क्रिकेट खेला, ना वो कोई ट्रॉफी में इतना ज़्यादा खेला, तो जिसका क्रेडिट जाता है उसका नाम ज़रूर लेना चाहिए। और मैं बर्मला कहता हूँ इसके पीछे आकिब जावेद का बहुत बड़ा ऑल क्रेडिट गोज़ टू आकिब जावेद, क्योंकि मैं फाउंडर तो नहीं बोलूँगा, फाउंडर तो मतलब वो हो जाएगा, इसको पिक किया उसके बाद लाहौर कलंदर से खिलाया। इसी तरह एक बच्चा था इरशाद, वो भी आकिब ने उसको पिक करा था। ये जो इरफान के टाइप का एक लंबा बॉलर, एक और इस साल आकिब ने उसका इंटरव्यू मैंने देखा था, अब वो पता नहीं आया PSL में है या नहीं है, लेकिन आकिब ने उसको भी पिक करा था। इसी तरह 2 साल पहले एक बच्चा था जान करके नाम था उसका, वो उल्टे हाथ से भी बॉल करता था और सीधे हाथ से भी करता था, वो ऑस्ट्रेलिया भी गया था लेकिन वो ऊपर लेवल पे क्रिकेट में इतना कामयाब नहीं हुआ। तो ये वो नाम है जो मुझे याद आए तो मैंने कहा आकिब को याद करूँ, क्योंकि आकिब नो डाउट लेजेंड तो है, बॉलर भी बहुत बढ़िया था और जिस तरह की उसकी सोच है वो बहुत पॉजिटिव है। अब पता नहीं कि लोगों को शायद बुरा लगता है तो इसलिए शायद लोग नाम लेते हुए डरते हैं, लेकिन आपको पता मैं जो नाम होता मैं ले देता हूँ। तो हारिस सुहेल पे इंशाल्लाह अगर जिस तरह वकार ने ट्वीट करा तो मेरे ख्याल है अभी अगर बांग्लादेश आता है तो उसको T20 खिलाएं फिर पता चलेगा, लेकिन बुमराह से कंपेयर करना गलत चीज़ है। पहले पाकिस्तान तो खेले, बुमराह इंडिया से खेल चुका है, उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मतलब वो टेस्ट क्रिकेट में भी परफॉर्म कर चुका है, वनडे में भी कर चुका है और T20 में भी कर चुका है, और प्लस अभी इंजर्ड होके आया है तो वो तो बेस्ट है ही ना, तो अभी एकदम इससे कंपेयर करना गलत है। हाँ अब एक अपनी बता देता हूँ अपनी बात जो शायद हो सकता है लोगों को पसंद आए या ना आए, हारिस सुहेल का एक्शन डिफरेंट है, उसका साइड से हाथ आता है, बुमराह का ऐसे हाथ आता है, ओपन चेस्टेड बॉलर है, वो ओपन चेस्टेड इतना नहीं है जितना बुमराह है। तो ये हमेशा याद रखें, इस वक्त दुनिया में जितनी क्रिकेट हो रही है जो भी डिफरेंट स्टाइल का बॉलर होगा ना, चाहे वो चाइनामैन बॉलर ही क्यों ना हो जैसे कुलदीप है या ब्रैड हॉक था, बेवन था, इस तरह के बॉलर आएंगे या मलिंगा हो गया तो ये डेंजरस होंगे T20 फॉर्मेट में और वनडे में भी हो सकते हैं। लेकिन बुमराह ने तो टेस्ट मैच में भी सबको उड़ा दिया, भगा दिया, मतलब जुमला बोल रहा हूँ माफी के साथ, बुरा नहीं मानिएगा, तो मतलब डिफरेंट है। लेकिन जितने भी यूनिक स्टाइल के बॉलर आएंगे वो हावी होंगे आजकल की जो T20 लीग्स हो रही हैं या वनडे मैचेस होंगे 50 ओवर के, उसमें आपको वो डिफरेंट ही नजर आएंगे, वो यूनिक होंगे और उन्हें पिक करना बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह के शॉट्स आ गए हैं, रिवर्स स्वीप आ गया है, AB डिविलियर्स जिस तरह फाइल लेग के ऊपर से दिलशान मारता था AB डिविलियर्स का, तो ये आपको डिफरेंट लगेंगे और यही चार्म है और यही ज़्यादा मतलब लोगों को याद रहेगा। लेकिन जो क्लास होती है वो परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है, लेकिन क्लास वाला जो प्लेयर होता है वो क्लास ही होता है, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे मॉर्गन हो, चाहे फिंच हो, चाहे वार्नर हो, इनकी अपनी क्लास है और रहेगी। लबोशेन अभी खेला नहीं है जो मेरा फेवरेट है, लेकिन देख लें नंबर 3 पर आ गए वो टेस्ट मैच की रैंकिंग में। तो ये वो बातें थी, तो मैंने कहा इस पर करूँ प्रोग्राम। अब आ जाता हूँ कल के मैच पे, 102 पे 5 आउट है अभी साउथ अफ्रीका के। तो ये कल का जो मैच पुणे में, मेरा ज़ाती ख्याल, मतलब मैं हमेशा ये बोलता हूँ मेरा ज़ाती ख्याल है, तो लोग मुझे व्हाट्सएप पे हमेशा यही जुमला भेज देते हैं कि आपका ज़ाती ख्याल, तो भाई ये एक आदत सी बनी हुई है, बुरा नहीं मानिएगा, जैसा मैं हूँ वैसे ही दिल का हूँ, तो इसमें कोई वो नहीं है। और कि कल जो पुणे में मैच है, मेरा मतलब चले मेरा ज़ाती ख्याल नहीं, इंडिया को चाहिए कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, क्योंकि जो उन्होंने पाना था वो तो पा लिया दूसरी बारी लेके। सैनी का, अच्छा मैं बोलता चलूँ, सैनी क्योंकि देखें
आपके यहाँ जब मैच शुरू होता है तो और जब आपके 7:30 बजते हैं तो मेरे यहाँ ईशा का टाइम होता है, तो 20 मिनट तक मैं मोबाइल बंद रखता हूँ क्योंकि मस्जिद में मोबाइल में देख नहीं सकता हूँ। तो वो जो 20 मिनट का मैच मिस होता है उसके लिए माफ़ी, जो मैंने सैनी के लिए कहा था कि 147 से उसने बॉल करे, तो वो बाद में आप लोगों ने व्हाट्सएप पर मुझे उसकी बॉल भी भेजी और माफ़ी चाहता हूँ मैं नहीं देख पाया था, लेकिन अच्छा है 152 क्या 162 प्लस करे वो बॉल, और शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ी, ये मेरी ख्वाहिश है कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, तो इस तरह के बॉलर आए। सिर्फ सैनी के लिए ये कहता चलूँगा कि मेरी सोच है कि इसको न्यूजीलैंड टूर पर लेके जाना चाहिए इंडियन टीम को, ये वहाँ पर टेस्ट मैचेस के लिए भी अफेक्टिव होगा। अब ये मेरी राय थी इसलिए मैंने आपके सामने शेयर कर दी, अब देखते हैं जब टीम अनाउंस होगी। तो कह रहा था कि टॉस जीत के पहले बारी ले, अपने बल्लेबाजों को अच्छी तरह चांस दें, 170-180 रन भी करते हैं तो मेरे ख्याल इंडिया के बॉलिंग अटैक ऐसा है कि भारी होगा। ड्यू फैक्टर पिछले मैच में तो नहीं था, इस मैच में आता है या नहीं आता ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन पीछे से छोटी अपना छोटी प्रिंसेस हेलो का इशारा कर रही हूँ उनकी तरफ से, हेलो आप सबको। और विराट आजकल वो उनका एक अलहदा तरीका है, वो डराती हैं बाबा को, बाबर आजम बन के और विराट कोहली बन के आंखों से ऐसे ऐसे करती हैं, तो वो अभी आ नहीं रही, शर्मा रही हैं। तो कल देखते हैं जी कौन बड़े, राहुल का जिस वे में खेल रहा है आया वो कल बढ़िया 50 करता है, शेखर धवन दोबारा मतलब खेलेगा, क्या कैसी परफॉर्मेंस रहती है, विराट के शॉट्स, विराट की परफॉर्मेंस पे तो बात नहीं करूँगा, विराट कल कौन कौन से डिफरेंट शॉट मारता है, पुल पे छक्के मारे कल देखूँगा कि मिड विकेट पे छक्का मारता है या एक्स्ट्रा कवर पे चौके मारता है या नहीं मारता है। तो ये वो अय्यर हो गया, ऋषभ पंत हो गया, इन्हें देखूंगा, तो कल इंशाल्लाह मैच के बाद बात करूंगा। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, बासित अली की तरफ से अल्लाह हाफिज़।